आइए यजमान, आप सभी यहाँ आकर विराजिए। पंडित जी आप शुरू कीजिए, सब हमारे पास में है, साथ में ही हम सब जी। ओम अपवित्र सर्वस्थानम गतोपि वैष्णवेत पुंडरीकाक्षः सभाभ्यन्तरः शुचि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम घटोत्कच मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। अब पंचामृत बनाने के लिए दूध लेकर आइए। लवली जल्दी करो। आई कार्तिक, वो पंचामृत का जो दूध रखा था ना वो फट गया। पूजा में विघ्न पड़ना अच्छी बात नहीं होती है, इसे अपशकुन माना जाता है। जी मां साहब बाबू जी कुछ कीजिए ना। मैं पंचामृत बनाने के लिए दूध ही नहीं उसके साथ सारी सामग्री लेके आई हूँ। जी सबको आरती दिखा दीजिए और ये पंचामृत जो है वितरण कर दीजिए। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूं। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। लवली अब मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूं। ठीक है मासा, घर में कोई पूजा थी क्या? वो कहना जब मैं हॉल से आ रही थी तो वहां मैंने वो हवन का सामान देखा। आज हमारे बेटे की वर्षगांठ है इसलिए हमारी बहू ने मतलब उसकी पत्नी ने पूजा रखवाई थी। अच्छा तो इसका मतलब थारी बहू ने पूजा रखवाई घर पे? हाँ। हमने कहा ना उसकी पत्नी ने पूजा रखवाई थी। पर मासा कार्तिसा की बीवी मतलब थारी बहू, बात तो एक ही हुई ना। अरे हमने कहा ना, क्यों बार बार पूछ रही है? अरे मैं बच्चा खोना नहीं चाहता। आदि प्लीज, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने जो फैसला लिया है मुझे वही करना होगा। तुम्हें पता है सच क्या है? सच तो ये है तुम ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। ठीक है आदि, तुम्हें ऐसा सोचना है तो तुम सोच लो, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया है मैं वही करूंगी। ओके फाइन। अरे अगर मनमानी करनी है तो सच बोल के करो ना, झूठ क्यों बोल रहा? अच्छा तुम कब से इतने सच्चे बन गए? अगर इतने ही सच्चे हो तो ये बात क्यों छुपा के रखी आदि कि हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जाओ जाकर सबको बता दो, जाओ ना। क्या साहब हर समय अखबार में घुसे रहते हैं। अरे देखिए तो हमारे यहाँ का तापमान कहाँ से कहाँ जा रहा है, सर्दी पूरे जोरों पे है। अरे मकई की रोटी एक दिन बना डालिए भाई, अभी नहीं बनाएंगी तो कब बनाएंगी? बनाइए एक दिन। ठीक है साहब। मासा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ बेटा क्या बात है? बोलो। वो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? बोलो ना। जी आप लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं।